मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट चार के शब्दार्थ पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट दिन दोपहर की शाम की छोटी सी समरी आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पाठ की समझा दी। अब आप इस पाठ को घर पर पढ़ना, जिससे आपको उस समरी के जरिए थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा। आज मैं इसका अभ्यास पेज नंबर 35 पर अभ्यास दिया हुआ है हमें, मैं आज आपको उस अभ्यास को समझाऊंगी। अभ्यास में हमारी बहुत सारी चीज़ें दी होती है बेटा, जो कि हम सोचते हैं कि अभ्यास जरूरी नहीं है, सिर्फ हम लोग प्रश्न तैयार कर लेते हैं और हटाते हैं, लेकिन अभ्यास में हर चीज़ें जरूरी है। क्या है अभ्यास का मतलब? है हमारे पार्ट में जो भी चीज़ें आई हैं उन्हें हमें पूर्ण रूप से उनका जानकारी होना चाहिए, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे शब्दार्थ, अन्य शब्द, वाचन, पाठ्य चर्चा, कुछ शब्दों में सारांश, पाठांश को पढ़कर उत्तर दो अधिकतम शब्दों में, मूल्यों पर आधारित प्रश्न, भाषा मंजूषा, है ना, उसमें जितनी भी एक्टिविटी दी रहती है। अब मैं इस पार्ट में आपको वीडियो के जरिए ही आपको भाषा मंजूषा जितनी भी एक्टिविटी उसमें दी है, जितने भी अभ्यास उसमें दिए हैं, मैं आपको इन वीडियो के जरिए समझाऊंगी। कुछ हम लाइव में पढ़ेंगे और कुछ हम इधर पढ़ेंगे। आगे बात समझ में वीडियो में, तो आपको कोई सा भी वीडियो मिस नहीं करना, आपको हर वीडियो को देखना है। चलिए आज हम दिन दोपहर शाम के कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे, उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हमको शब्दों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि कभी आपको कोई शब्द दे दिया, पाठ में आया होगा, कोई सा भी शब्द दे दिया, जैसे कि अतल, है ना, क्या शब्द दे दिया आपको? अतल, अ त ल। अब ये लिखने में तो आपको क्या दिख रहा है? छोटा सा एक शब्द दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये छोटा सा एक शब्द दिख रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अतल का मतलब क्या होता है? अन्य शब्द है ये हमारे, क्या है, जो आपके बुक में जो मैंने शब्द ज्ञान दिए है ना, उसके अलावा कुछ अन्य शब्द ऐसे भी आए हैं पाठ में जिसके बारे में जिसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अतल का मतलब होता है बहुत अधिक। अतल का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत अधिक। आप बोलोगे आप कि बुक में तो कुछ और दिया है ना, ये अन्य शब्द है। मैं कुछ अन्य शब्द बताऊंगी आपको जिनकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। दुर्गम, तो दुर्गम का मतलब क्या होता है? अत्यधिक कठिन। वही अतल का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। क्या होता है? अतल गहराई में, मतलब बहुत अधिक नीचे की गहराई में। अतल गहराई मतलब बहुत अधिक गहराई में। अतल का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। तो अन्य शब्द कुछ इस प्रकार है, जैसे जीवट, जैसे एक और आपका आ गया जीवट, तो जीवट का मतलब क्या होता है? जीवट का मतलब क्या होता है? पाठ में जैसे आ गया जीवट, जी व ट, जीवट, तो जीवट का मतलब क्या होता है बेटा? साहस, हिम्मत। क्या होता है जीवट का मतलब? साहस होता है, हिम्मत होता है। तो आपको इस प्रकार के शब्द याद करने हैं, क्योंकि कभी आपको एग्जाम भी दे दिए और उन शब्दों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप उनका उत्तर क्या दोगे? उत्तर हमको याद होगा तभी तो हम उत्तर लिखेंगे। जैसे कि जीवट का मतलब होता है साहस और हिम्मत। आपसे पूछ लिया गया है निम्न में से जीवट का सही अर्थ बताया, आपको साहस दे दिया, धैर्य दे दिया, नकली दे दिया। अब आप सोच रहे जीवट क्या होता है? जीव तो नहीं होता है। जीवट का मतलब होता है साहस, हिम्मत। इस प्रकार से आपको कुछ अन्य शब्दों को भी जानना होगा। मैं आपके शब्दार्थ तो आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि आपके बुक में दिए हैं, लेकिन कुछ अन्य शब्दों आपको मैं बता देती हूँ। और जैसे कि कपास, कपास का मतलब क्या होता है आपको पता है? कपास एक पौधा होता है रुई का, जिसका नाम कपास का पेड़ होता है, है ना। इस प्रकार से अफरा तफरे, अफरा तफरे का मतलब क्या होता है? भागम भाग, भाग दौड़, जहाँ बोलते हैं ना हम अफरा तफरी मच गई, भाग दौड़ मच गई, ऐसे। स्केल मतलब होता है मापदंड। सरहद मतलब होता है सीमा। मनगढ़ंत मतलब होता है मन से बनाया गया। कुछ प्रकार से ऐसे भी अन्य शब्द हैं। मैं आपको बुक में आए शब्द पढ़ा दूँ, इसके बाद मैं अपने अन्य शब्द पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हमारे शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। छदम, छदम मतलब होता है बेटा अत्यधिक कठिन। क्या होता है? अत्यधिक कठिन। जहाँ पहुँचा
जहां पहुंचना कठिन हो, मतलब छदम, मतलब वहां का रास्ता अत्यधिक कठिन हो, जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? छदम। अब आपको दे दिया, जहां पहुंचना संभव ना हो उसका कोई एक में शब्द बताइए। तो हम चार पांच दे देंगे आपको, छदम दे दिया, अनोखा दे दिया, रूखी दे दिया, तो आपका आंसर क्या होगा? छदम, क्योंकि छदम का अर्थ होता है अत्यधिक कठिन, जहां पहुंचना कठिन हो। दूसरा हमारा है इसमें थमी। थमी का मतलब क्या होता है? रुकी, ठहरी। थमी का मतलब क्या होता है? जैसे मेरी जिंदगी थम सी गई है, मतलब रुक गई है ना, ठहर गई है, ठहरी। थमी, थमी का मतलब होता है रुकी हुई, ठहरी हुई। दूसरा है बोरमन मत। क्या होता है? मैं इसलिए इसको बता रही हूँ, आप इसका उच्चारण सही से करें। क्या करें? बोरमन मत। गोरवन मत मतलब गर्व से भरा हुआ, घमंडी। गोरवन मत मतलब क्या होता है? गर्व से भरा हुआ। और एक और क्या होगा उसका मतलब होगा? घमंडी, गर्व से भरा हुआ। जिसको बहुत अधिक घमंड होता है ना, अपने आप को, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे ये याद है, मुझे वो याद है, तो वो क्या, उसे क्या बोलेंगे हम? गोरवन मत मतलब घमंडी, गर्व से भरा हुआ, घमंडी। छदम, छदम का मतलब क्या होता है बेटा? छदम का मतलब होता है नकली। क्या होता है छदम का मतलब? नकली और भ्रम। बोलते हैं ना, मेरे मन में ऐसा भ्रम हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो क्या होता है उसका मतलब? छदम का मतलब होता है तो नकली और भ्रम, दो इसके शब्द आते हैं। तीसरा है हमारा प्रविष्ट। अगला क्या है हमारा? प्रविष्ट। प्रविष्ट का मतलब क्या होता है? दाखिल होना। प्रविष्ट का मतलब क्या होता है? दाखिल होना, किसी चीज के भीतर तक उतरना। मैं उसमें प्रविष्ट हो गया मतलब वहां दाखिल होना, या किसी भी चीज के भीतर तक क्या करना? उतरना, किसी भी चीज के भीतर तक उतरना। ये हमारा। अब इसका अगला क्या है हमारा? उत्सव। उत्सव आप सबको मालूम है, उत्सव क्या होता है? उत्सव मतलब होता है त्यौहार। क्या होता है उत्सव का मतलब? त्योहार। क्या होता है? त्योहार। अब अगला क्या है हमारा? बाहु युद्ध। बाहु, बाहु युद्ध मतलब बाहों की सहायता से लड़ा जाने वाली लड़ाई। बाहु युद्ध क्या? बाहों की सहायता से लड़े जाने वाली लड़ाई, युद्ध, उसे हम क्या कहेंगे? बाहु युद्ध। अगर आपसे पूछ लिया गया बाहों की सहायता से लड़ा जाने वाला युद्ध, तो एक शब्द में उसको उत्तर क्या होगा हमारा? बाहु युद्ध। क्या होगा? बाहु युद्ध। अगला इसमें दिया है आपका मुहावरा। अब मुहावरा क्या दिया है? टस से मस ना होना। टस से मस ना होना मतलब कि अपनी बात पर दृढ़ रहना। टस से मस ना होना मतलब कि अपनी बात पर डटे रहना, अपनी बात से, टस से मस नहीं होना, अपनी बात पर दृढ़ रहना, टिके रहना, थोड़ा सा भी ढीला, थोड़ा सा भी ना, मतलब टस से मस ना होना, थोड़ा सा भी ना होना, अपनी बात से रड़ रहना और थोड़ा सा भी ना होना। क्या नहीं होना? थोड़ा सा भी ना हिलना। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा भी ना हिलना। ये हमारे शब्द ज्ञान थे, है ना। अब इसके कुछ अन्य शब्द आपको बता देती हूँ। क्या बता देती हूँ? इसमें कुछ अन्य शब्द मैं आपके बता दी। जैसे मैंने बताया जीवन। जीवन का मतलब क्या होता है? साहसी, हिम्मत वाला, है ना। दूसरा मैंने बताया अतल, मतलब बहुत गहरा, बहुत अधिक। अतल का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। फिर आपको मैंने बताया ढिपरी। एक होता है ना ढी बी, ढिबरी का मतलब क्या होता है? आपके पाठ में एक शब्द आया है ढिबरी, तो ढिबरी का मतलब होता है दीपक के काम आने वाली टीन, मिट्टी आदि की बनी हुई डिबियां। जो डिबियां बोलते हैं ना, दीपक बनाने, दीपक जलाते हैं, उसके काम आने वाली एक टीन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिब्बी। वो डिबरी होती है। फिर आपको अनुष्ठान का मतलब आपको बताइए, धार्मिक कार्य। हिमाचित मतलब बर्फ से ढका हुआ। हिमा आच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ। फिर धवल, धवल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ। धवल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ। ध्वज का मतलब होता है झंडा, ये धवल है। धवल का मतलब होता है साफ। सैक्री,
तो मतलब होता है बहुत तंग। क्या होता है, जहाँ पर सकरी जगह होती है ना, वो क्या होती है, बहुत तंग, बहुत अधिक पतला। कानों की लो मतलब कान का निचला भाग। रेवड़ मतलब जत्था, रेवड़ का मतलब क्या होता है, जत्था, झुंड। इस प्रकार से ये आपके शब्द ज्ञान है। आपको इन शब्द ज्ञान को पढ़ना है और आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया गया तो इसके लिए आपको इनको तैयार करना है। आज की इस वीडियो में